हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदिलास किचन फन। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन मुगलाई पराठा। तो चिकन मुगलाई पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन का खीमा, जो मैंने घर पे बना लिया है। अगर आप चाहो तो मार्केट से भी ला सकते हो। 5 से 6 बारीक कटी हुई प्याज, 5 से 6 टमाटर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, हरे धनिया के पत्ते, अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर और हल्दी, और हमें चाहिए 3 अंडे। तो मैंने एक पैन में तेल को निकाल लिया है और गरम करने के लिए रख लिया है। तो हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हमें तेल में चिकन का खीमा ऐड कर लेना है और अच्छे से पका लेना है। जहाँ तक चिकन के खीमे का वाइट कलर ना आ जाए, तब तक हमें पका लेना है। चिकन के खीमे के साथ हमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर लेनी है और अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब हमें बारीक कटी हुई प्याज थोड़ी सी ऐड कर लेनी है और थोड़ी सी बचा लेनी है। लास्ट में हम बची हुई प्याज को ऐड करेंगे। अब हम प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें मसाले को ऐड कर लेंगे। तो हमें जीरा पाउडर और धनिया जीरा पाउडर और नमक को ऐड कर लेना है। गरम मसाला, जीरा पाउडर और हल्दी भी ऐड कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन के खीमे को हमें उसका पानी जल न जाए, तब तक हमें पका लेना है। हमने जो प्याज बचा के रखी थी, उसे हम ऐड कर लेंगे और बारीक कटे हुए टमाटर भी ऐड कर लेंगे, ताकि हमारी स्टफिंग अच्छे से जूसी बन जाए। पांच मिनट के लिए हमें ढककर पका लेंगे। अब हम हरे धनिये को ऐड कर लेंगे। और ढककर 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम पका लेंगे। तब तक हम ग्रीन चटनी बना लेंगे। ग्रीन चटनी के लिए मैंने हरा धनिया, फुदीना, 1 नींबू, लहसुन, कच्चे सींग के दाने, हरी मिर्च और नमक ले लिया है। तो अब हम ग्राइंडर में हरा धनिया ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 5 से 6 लहसुन ले लिया है। आप अपनी चटनी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी यूज कर सकते हो। फुदीना ऐड कर लिया है, कच्चे सींग दाने, हरी मिर्च, नमक, मैंने यहाँ पर 1 नींबू का रस ऐड कर लिया है और थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी के लिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो। तो हमारी कोरिएंडर और मिंट की चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पे पराठे की तैयारी कर लेंगे। तो पराठे के लिए मैंने मैदे का आटा यूज किया है।
और मैदे के आटे से हम पराठा बना लेंगे। इस तरह से हमें पराठा बना लेना है और यही साइज में हमें पराठा बनाना है। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है और उसे एक बाउल में फोड़ लिया है। अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमारा अंडा बिल्कुल अच्छे से फेंट चुका है और यहाँ पर हमारी चिकन की स्टफिंग भी बिल्कुल तैयार है और अच्छे से पक चुकी है और पानी भी बिल्कुल जल चुका है। इसका मतलब है हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैंने तवे में पराठे को इस तरह से रख लिया है और चिकन की स्टफिंग हमें इस तरह से भर लेनी है। स्टफिंग भरने के बाद हम गैस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग हमने पराठे में भर ली है और हमने जो अंडा फेंट के रखा है उस अंडे को हम इस तरह से ऐड कर लेंगे स्टफिंग के साथ। और पराठे में मेन इंग्रेडिएंट्स अंडा है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो हम स्टफिंग के साथ अंडे को इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम पराठे को शेप दे देंगे। तो हमारा पराठा इस तरह से हमें रैप कर लेना है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और थोड़ा सा तेल इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो पराठे को हमें शैलो फ्राई कर लेना है और एक साइड अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि हमारा पराठा बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो हमारा पराठा एक साइड से बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम दूसरी साइड भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हम पराठे के चारों कोनों को भी इस तरह से फ्राई करेंगे ताकि हमारा पराठा कच्चा न रह जाए। अंदर स्टफिंग के साथ जो अंडा हमने स्टफ किया है वो भी अच्छे से पक जाए। तो अब हमारा पराठा बिल्कुल फ्राई हो चुका है और बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। तो अब हम पराठे को 4 पीसेस में कट कर लेंगे। और सर्विंग प्लेट में इस तरह से रख लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज को यूज किया है और हमने जो ग्रीन चटनी बनाई थी कोरिएंडर और मिंट की, तो इसे हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो हमारा चिकन मुगलाई पराठा बिल्कुल तैयार है। आप इसे कोरिएंडर और मिंट चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।